तो छोटा कुछ नहीं होता है। मैंने ये एग्जाम्पल छोटे का इसके लिए दिया है कि आपके मन में अगर आपको परफॉर्म करना है, अगर आप एक्टर हैं और आपको कोई कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर बड़ी फिल्म में हीरो नहीं ले रहा है, आप अपनी फिल्म बनाइए। मैंने इंडस्ट्री बीच में छोड़ दी थी और मैं वापस आई हूँ बिकॉज ऑफ योर लव, बिकॉज यू हैव गिवन दैट काइंड ऑफ लव ऑन सोशल मीडिया, और आप लोगों ने मुझे उस चीज पर मक्कम बना के रखा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस इज फिल्मी इट। फंडे, joinfilms.com। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। आज की डेट में जहां पर बेस्ट और परफेक्शन ही चलता है, वहां पर एक प्रोफाइल मेंटेन करना ही बहुत मुश्किल काम होता है। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वो मल्टीपल प्रोफाइल में काम करते हैं और उतने इफिशियंटली काम कर लेते हैं। ऐसे ही एक अलग तरह की पर्सनैलिटी मेरे साथ हैं आरती नागपाल, जो कि एक्टर हैं, राइटर हैं, डायरेक्टर हैं और सर्टिफाइड योगा टीचर भी है। आप सब स्वागत कीजिए, वेलकम टू जॉइन फिल्म्स आरती जी। जी नमस्ते, वेलकम एवरीवन। ओके, तो आरती जी, एक्टर अपने आप में कंप्लीट प्रोग्राम होता है, उसके हिसाब से बहुत सारे काम करने होते हैं। फिर राइटर एक बहुत बड़ा क्रिएटिव जॉब होता है, उसमें बड़ी अलग तरह की चीज होती है। डायरेक्टर वो कंप्लीट ऐसा जॉब होता है जहां पर वो कोई और काम कर ही नहीं सकता एक साथ। और फिर योगा टीचर, और भी सर्टिफाइड योगा टीचर, इतना सब एक साथ करने के पीछे क्या मकसद? तो मैंने इम्बाइब ऐसे रातों रात नहीं की है, वो बचपन से ही उसी माहौल में उन्हीं लोगों के बीच में वही सारी चीजें सीखी हैं, सुनी है। मेरे पिताजी भी डायरेक्टर राइटर एक्टर थे और मामा जी भी कैमरामैन थे, राजेंद्र पंचोटिया जी, डैडी अश्विनी कुमार जी, मम्मी श्रद्धा पंचोटिया जी, नाना जी विठल दास पंचोटिया जी, जो दादा साहेब फाल्के के से पहले फिल्म जगत में थे। ये जब हम लोग मल्टीपल प्रोफाइल पे होते हैं, तो क्या आपके एक्टर को राइटर जी डायरेक्टर वाला जो क्रिएटिव माइंड है वो हेल्प करता है? फिर डायरेक्टर को क्या, जो आप परफॉर्मेंस जानते हैं तो आप ज्यादा बेटर परफॉर्मेंस निकाल लेते हैं और योगा आपको कूल लगता है, ये सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं सिस्टम? सी, मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी और डेली फिटनेस में रिजीम में जो रहना है, वो एक अपने आप में सक्षम तरीका है अपने कार्य को 100% एफिशिएंसी के साथ में पूरा करना। फिर आप एक्टिंग करो या डायरेक्शन करो या राइटिंग करो या आप जिंदगी में कुछ भी करो, आप अभी जैसे आप ये चैनल होल्ड कर रहे हैं, आप लोगों से इंटरव्यू ले रहे हैं, अनजान लोगों से इंटरेक्शन कर रहे हैं, वो भी तो आप अपने आप में पूरा का पूरा ही काम कर रहे हैं। इफ यू गो टू सी कि आप खुद एक वीडियो शूट करते हैं, फिर उसको एडिट करते हैं, फिर उसके हिसाब से उसको प्रेजेंट करते हैं, फिर पब्लिक तक लेके जाते हैं, तो ये अपने आप में एक पूरी की पूरी फिल्म है। आप अनोइंगली बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, विच यू डू नॉट फील लाइक यू आर डूइंग वेरी बिग थिंग, क्योंकि ये कोई मल्टी स्टारर कोई प्रोजेक्ट नहीं है और कोई बड़े थिएटर में रिलीज नहीं हो रहा है। बट दैट्स नॉट दैट, एनी मीडियम और एनी प्लेटफॉर्म और यू आर क्रिएटिंग एनी थिंग और हैविंग अ थॉट इटसेल्फ इज कम्प्लीटली क्रिएटिव थिंग। और सुबह अगर आप 5 बजे या 5:30 बजे उठते हो और अपना सारा दिनचर्या में सबसे पहले अपना योगा और मेडिटेशन और ये सारा अभ्यास करते हो, तो नेचुरली आपके अंदर एक कला को एपिटोम तक लेके जाने की शक्ति आती है। तो इट इज ऑल इंटर रिलेटेड। ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इस पे मैं आऊंगा बाद में, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी है, मेडिटेशन है, योगा है, ये सब कहीं ना कहीं हमारी लाइफस्टाइल है, एक तरह से जीवन पद्धति है, तो उस पे हम लोग बात करेंगे अलग से। किसी भी एक्टर का, खासतौर से एक्ट्रेस का, ये सपना होता है कि उसको कुछ खास लोग अगर लॉन्च कर दे तो एक अलग सा एक्साइटमेंट होता है, अचीवमेंट फील होता है। पहले राज कपूर जी के लिए होता था, देवरान जी के लिए होता था, जी यश चोपड़ा जी के लिए जी होता था, है ना? और जी आपको ये चांस मिला कि जी आप लॉन्च हुई देवरान जी की फिल्म से, गैंगस्टर से। वो क्या मोमेंट था और क्या एक्सपीरियंस था, क्या था वो, सब कुछ बताएं। देव साहब वाज लुकिंग आउट फॉर 9 हीरोइंस इन हिज फिल्म गैंगस्टर में, और उनको 9 की 9 लड़कियां बहुत खूबसूरत और अच्छी डांसर चाहिए थी, जिसमें से 3 लड़कियां खासकर स्पेशल अच्छी डांसर चाहिए थी। तो उन्होंने मेरी बहन को सिलेक्ट करने के हिसाब से कॉल किया था। मेरे मम्मी और नाना जी और डैडी, उन लोग सब लोग एक दूसरे को जानते हैं देव साहब जी को, तो देव साहब ने मेरी बहन को बुलाया था। एंड तभी मैं जस्ट आई वाज जस्ट इन अ स्कूल, आई वाज आई हैड नॉट इवन कंप्लीटेड माय 10th स्टैंडर्ड, तो आई जस्ट एकम्पनीड माय सिस्टर, एंड वो जगदीश माली के स्टूडियो में देवर हैविंग, यहीं पर बाजू में आराम नगर में देवर हैविंग दिस ऑडिशन काइंड ऑफ अ थिंग। देव साहब को देखना था कि कैसे डांस करते हैं,
तो शी फिनिश्ड एंड देन उन्होंने वो ज्वेल थीफ का म्यूजिक लगाया, होठों पे ऐसी बात मैं दबा के चली आई, वो वाला गाना। और वो मुझे गाना इतना पसंद है, इतना पसंद है, बिकॉज द मृदंग एंड द ढोल एंड तबला एंड म्यूजिक एंड इट्स सच अ फुल सॉन्ग, इट्स सच अ सेलिब्रेटिंग सॉन्ग। सो आई कुडंट स्टॉप एंड आई जस्ट डांस केयरलेसली, यू नो, आई डांस ऑन दैट सॉन्ग एंड आई एंजॉयड इट। तो देव साहब ने बोला, अरे वाह, ये तो बढ़िया डांस करती है। तो इन्होंने फिर मुझे भी कास्ट कर लिया उस पर्टिकुलर फिल्म में। तो जो आपने जिक्र किया कि आप अपनी सिस्टर के साथ गई थी, बहन के साथ गई थी, आपकी बहन भी जानी मानी एक्ट्रेस है दीपशिखा, तो जी। जब आप दोनों काम कर रहे थे फिर उस फिल्म में? जी 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 जी, वेरी गुड। वी वर लॉन्च्ड टुगेदर, मी एंड माय सिस्टर, बोथ ऑफ अस वर लॉन्च्ड टुगेदर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो उस फिल्म का एक्सपीरियंस कैसा रहा? देव साहब का कोई खास ऐसा वाक्य जो आपको याद हो? देव साहब इज सो, ही वाज सच अ जेंटलमैन एंड सच अ वंडरफुल पर्सोना। It was delight to work with him, complete delight. Like he used to call us on set, treat like women, you know, how to treat a woman, one should learn from him. So aristocrat, so beautiful. Set par bulayenge, apna kuch shot bhi samjha rahe honge, to itni ada se, beta, tum ye aise karo, aur hum hai na masti masti mein unko waise hi copy karte the. ओके, तो काम भी मजेदार था, फिर बहुत अच्छे लोगों के साथ था, तो उसमें मजा और बढ़ ही जाता है। अभी करंटली आप किन-किन प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दे रहे हो? जी, राइट नाउ मैंने अभी एक वेब सीरीज कंप्लीट की है जसबीर भट्टी के साथ में, उनकी फिल्म है ऑलरेडी नेटफ्लिक्स पर, भूरी। और अभी ये कौन सी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ रही है उन्होंने मुझे बताया नहीं है, और टाइटल भी उन्होंने बताया नहीं है, क्योंकि इट इज द वेब सीरीज वेरी क्लीन नीट and it is a happy fun comedy but clean comedy, not dirty one. bahut saalon se kaam kar rahe hain industry mein, bahut acha kaam karte hain ji ji. to jab aap as a actor web series kar rahi thi, web film kar rahi thi, to kabhi kabhi set pe on location wo apne andar ka director bahar nahi aata ki is shot ko aise kuch hona tha waise kuch hona tha? jaise main holiday kar rahi thi murga dost sir ke sath mein, akshay ke sath, तो वो साउथ की डायरेक्टर है, मैंने साउथ की दो फिल्में की हुई है। उनका जो प्रेजेंटेशन तरीका होता है, वो जिस तरीके से सीन को प्रेजेंट करते हैं और आर्टिस्ट को कंफर्टेबल फील कराते हैं, तो वो भी एक क्वालिटी होती है। और जब भी आपको एक टेक्निकल नॉलेज होता है इस पर्टिकुलर फील्ड में एक्टिंग करने के पहले या राइटिंग या डायलॉग्स का, आपके अंदर वो एक फ्लेयर होता है राइटिंग का, तो अगर आपके पास में एक डायलॉग दे दिया है तो नॉट नेसेसरी कि आप रट्टा बाय रट्टा ऐसा चबा चबा के पोपट की तरह जितना पेपर में लिखा है उतना ही आप बोलें। जब भी आप परफॉर्म करने जाते हैं तो आप रिएक्ट करते हैं, मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप कुछ मुझे बोलेंगे तो मैं आपको रिएक्ट करूंगी, तो वो ही सीन हो गया, दैट्स अ सीन, तभी वो नेचुरल भी लगता है और लाइव लगता है। हाँ, सो दैट्स व्हाट, लाइक व्हेन आई वाज डूइंग दिस सीन विद सोनाक्षी एंड देयर वर दिस फ्यू लाइंस एंड आफ्टर अ लॉन्ग गैप आई हैड कम बैक ऑन स्क्रीन and Sonakshi is like very matlab dar jata hai insaan, you know, ki aise khat karke dekhti hai, aisi badi badi aankh karke to haath bhi sasta are baap re kya karu, you know. So Murga Das sir made it very comfortable and very beautiful ke rickshaw mein scene hai, this is your scene, you are the heroine of this scene, aise karke mujhe bataya, and you do it, and then you were standing next to me in the trolley lagi hui thi, rickshaw ko trolley pe fix kiya hua tha, aur trolley ke sath Murga Das sir sath mein डायरेक्टर सर खुद साथ में स्क्रिप्ट पकड़ के मेरे साथ में, इतना टाइट फ्रेम था वो, और डायलॉग्स करवा रहे थे। एक दो बार थोड़ा सा फंबल हुआ, फिर उन्होंने मुझे इतना अच्छा कॉन्फिडेंस दिया कि यू कर ऐसे कर, तो दैट काइंड ऑफ इनपुट एंड बिकॉज ऑफ द बैकग्राउंड एंड लर्निंग इट हेल्प्स इन कंप्लीट वे फॉर एन एक्टर टू बी इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। ओके, आपने जो बात कही है बहुत ही अच्छी लगी मुझे, कि आप उसकी वैल्यू समझते हो, आप उसको लेंथ से नहीं नापते हो, है ना? आप तो फिल्म इंडस्ट्री, फिल्म परिवार से आते हैं, और लोग ये सोचते हैं, हम आउटसाइडर की अगर बात करें, एक आउटसाइडर वर्ल्ड ये सोचता है, जो नेपोटिज्म की बात करता है, वो बात ना मैं मानता हूँ ना वो सच मानता हूँ, कि अगर आप फिल्मी होकर, फिल्मी होने के बाद भी आप रोल की लेंथ को नहीं देखते, बहुत सारे नए लड़के लड़कियां जब फिल्म इंडस्ट्री में काम करने आते हैं, आती, मैंने सालों साल से देखा है कि वो मेन लीड का तमगा चिपका होता है, कि वो गाने कितने हैं, ये कितने हैं,
और उस चक्कर में उनके 3-4 साल निकल जाते हैं, फिर वो बैक टू पवेलियन घर वापस चले जाते हैं। आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, क्योंकि आपसे अच्छा मैसेज कोई नहीं दे सकता। क्या है, देखिए मैंने एक शॉर्ट फिल्म बनाई, राइट, जब भी मैंने शॉर्ट फिल्म बनाई थी 2014 में, राइट, तभी सब लोग क्या बोल रहे थे, शॉर्ट फिल्म बनाई है यूट्यूब के लिए, यू नो यूट्यूब लाइक दैट, यूट्यूब लाइक ओटीटी, एंड लाइक ओटीटी तो था ही नहीं, यूट्यूब लाइक वो शिट, अभी शॉर्ट फिल्म, यू नो, एंड बिकॉज आई मेड दैट शॉर्ट फिल्म डेली रेप, इट वॉज जस्ट 7-minute फिल्म, दैट फिल्म वन सो मेनी अवार्ड्स, एंड आई वॉज पैनलिस्ट, शत्रुघ्न सिन्हा जी वॉज सिटिंग इन द ऑडियंस, रोटरी क्लब का प्रोग्राम था, एंड आई वॉज सिटिंग इन द ऑडियंस एज अ पैनलिस्ट because of my that choti film which had won award, and that choti film had a, such a strong subject on YouTube, it is there, unconsensual sex with your wife is rape, aur us par maine ek monologue bola tha jiske liye mujhe dada saheb phalke nasik international film festival mein award mila, rajasthan film festival mein award mila, san francisco film festival mein award mila, so that choti film and that chota sa kaam, being associate director, that time I had not done any film as a director. In that film, I was an associate, like, you know, you, jinko pata hai direction, unko pata hoga ki associate direction kya hota hai. To tabhi maine us waqt aisa sab kuch kiya, aur sara post maine khud solo kiya. To chota kuch nahi hota hai. Maine ye example chote ka iske liye diya hai ki aapke man mein, agar aapko perform karna hai, agar aap actor hai, और आपको कोई कोई भी बड़ा प्रोड्यूसर डायरेक्टर बड़ी फिल्म में हीरो नहीं ले रहा है, आप अपनी फिल्म बनाइए अपने थॉट के साथ में, अपनी क्रिएटिविटी के साथ में, और इस छोटे प्लेटफॉर्म पर जिसको आप यूट्यूब बोलते हैं उस पर अपलोड कीजिए, और फिर देखिए अगर आपके अंदर टैलेंट है, क्वालिटी है और अच्छी परफॉर्मेंस है तो कहां से कहां पहुंचते हैं आप, सो देयर इज नथिंग स्मॉल। बहुत ही अच्छी बात, आपने एक तरह से प्रैक्टिकल सॉल्यूशन, प्रैक्टिकल अप्रोच बता दिया एमेच्योर एक्टर्स को, डायरेक्टर्स को, कि आप अपना काम आज पब्लिकली ला सकते हैं, और अब यूट्यूब छोटा नहीं रहेगा, यूट्यूब इतना बड़ा हो गया है कि बड़ी बड़ी फिल्मों का प्रमोशन अब यूट्यूबर्स कर रहे हैं, तो अब वो भी बहुत बड़ा बन गया है अपने आप में। जी जी जी, ओके, आपकी फिल्म अगर लोगों को देखनी हो तो वो कैसे देख सकते हैं, मैं लिंक तो शेयर कर दूंगा, कहाँ पर है आप थोड़ा सा बता दें फिल्म के बारे में। जी जी जी, मेरी 3 फिल्में हैं, आई फॉट, आई सर्वाइव्ड, एंड third last film which I recently won an award, Abuse. Abuse is also it's a drama on a relationship, aur aaj ki date mein wo relationship ka drama, to bahut hi aapko main link bolungi, aapko bataungi, aap zarur share kijiyega, let people see, je which is produced, directed, acted and written by me. Join films ke sabhi subscriber, jo community member, wo bhi dekhenge kyunki wo is tarah ki cheezon mein bahut interest lete hain, और जो आपने बात बताई है, जो अप्रोच बताई है, उससे तो उनकी लाइफ में खुद भी एक चेंज आ सकता है। जी जरूर, मैं चाहती हूँ, बिकॉज कोई भी प्लेटफॉर्म, कोई भी चीज, लोग पहले सोशल मीडिया को बकवास समझते थे, पहले सोशल मीडिया को प्रेफरेंस नहीं देते थे, आज लोग सोशल मीडिया से पैसे कमा रहे हैं। आई एम ग्रेटफुल टू यू ऑल, ऑल माई फैंस, दैट आप लोगों की वजह से मेरी जिंदगी में जो लो फेज आया था, मैंने इंडस्ट्री बीच में छोड़ दी थी और मैं वापिस आई हूँ because of your love, because you have given that kind of love on social media, aur aap logon ne mujhe us cheez par makkam bana ke rakha, that I could bag a film in a very A-lister film production and do it and win it all. फिर तो ये एक डबल बोनस हो गया, फायदा हो गया जॉइंट फिल्म्स के सभी लोगों को, क्योंकि जॉइंट फिल्म्स के साथ भी सारे वही लोग जुड़े हुए हैं आरती जी, जो कि एक्टर बनना चाहते हैं, फिल्म मेकर बनना चाहते हैं। इस चैनल पे आपको पता ही है कि इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो, और आप सेलिब्रिटीज लोग आके और अच्छे अच्छे इनपुट देते हैं और अच्छे से प्रैक्टिकल चीजें बताते हैं, तो आज ये कम्युनिटी बहुत बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है, अपनी कैटेगरी में नंबर 1 चैनल हो चुका है, तो उनको भी फायदा होगा, मौके भी मिलेंगे, ये बहुत अच्छी बात है कि तो आप नए लोगों को मौका दे रही है, ये और अच्छी बात है। अब मैं आता हूँ एक बात पे, आती कि आजकल हम सभी ने, जो भी मैंने देखा टॉप मोस्ट लोगों से मिला हूँ, सभी लोग अध्यात्म को, स्पिरिचुअलिटी को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, उसकी वैल्यू समझ रहे हैं, अब कहीं ना कहीं थोड़ा सा हम लोग उस पाथ पे सॉल्यूशन की तरफ भी आने लगे हैं,
कि हाँ अब यही सॉल्यूशन है और हम इसको अपना भी रहे हैं, इंप्लीमेंट भी करें। जैसे मैं खुद बहुत इंप्लीमेंट करता हूँ और उससे लाइफ में जो इजीनेस आ रही है, तो मैं चाहूंगा यंगस्टर बहुत देख रहे हैं आपको, आप उनको बताइए कि ये क्यों जरूरी है और सही एज में जरूरी, और खासतौर से क्रिएटिव वर्ल्ड में, टेक्निकल वर्ल्ड में, फिल्म वर्ल्ड में। इस लॉकडाउन में, इस पेंडेमिक में बहुत कुछ लोगों को और दुनिया को सिखाया है बहुत बड़े तरीके से। तो ये जो रियलाइजेशन आया है पूरी सोसाइटी में, समाज में, अबाउट मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिटी, इट्स वेरी गुड। बिफोर पेंडेमिक पीपल यूज्ड टू ऑप्ट फॉर ड्रग्स। आई एम मेंशनिंग दिस ओवर हियर एंड स्पेशली फॉर द यंगस्टर्स, which I have seen and it is not deniable. I am not going to accept ki agar aap log bole ki nahi nahi hum log nahi karte, no, that's not the case. I have seen with my own eyes. I have got heads up. I have got calls from my children's school and all those things that please be safe, please be safe, don't buy this, don't buy that from there, this place and that place, paan bidi shop and all that, it is everywhere available. Wo koi bhi field mein, kisi bhi direction mein, jab aap सेंटर से स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है और आपका माइंड ठीक है, पूरा बॉडी माइंड एंड सोल इज इन वन लाइन, देन यू आर एबल टू एक्ट ऑन इट वेरी सेनली एंड देन देयर इज नो लुकिंग बैक। आपको कोई जिंदगी में हरा नहीं सकता है, तो इस पर ही काम करना अभी बहुत जरूरी है। इन्होंने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है और मैं चाहूंगी कि जितने भी देख रहे हैं, सुन रहे हैं, इस पर्टिकुलर चीज पर अमल करें। मैं रोज सुबह 5 बजे उठती हूँ और मैं सनराइज के पहले, मेडिटेशन करने के बाद ही सनराइज देखती हूँ, एंड आई हैव मेड दैट पॉइंट टू डू सो, ताकि क्रिएटिविटी और मेरी जो हम्बलनेस है, बीइंग हम्बल, बीइंग डाउन टू अर्थ एंड बीइंग इन दिस फील्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत अच्छे से आपने डिटेल में एक एक चीज को क्लियर किया, थैंक यू वेरी मच। मैं ये चाहता हूँ कि यंगस्टर को वो इनसाइट क्लियर हो, ताकि भी वो कोई भी फैसला जल्दबाजी में ना ले। एक्शन जल्दी जरूर लें, बट जल्दबाजी में ना ले, बगैर सोचे समझे ना ले, क्योंकि एक यंग बच्चे या बच्ची का जब कोई करियर खराब होता है तो पूरी तरह से फैमिली पर उसका असर आता है और फिर उसका असर पूरी सोसाइटी पे जाता है, और फिर लोग बोलते हैं कि बॉलीवुड अच्छा नहीं है, फिल्म इंडस्ट्री अच्छी नहीं है, सेफ नहीं है, सिक्योर नहीं है। तो मैं चाहता हूं दिल से कि वो इमेज जो एक दिखाई जाती है उसको हम समझें कि वो ऐसा पूरा सच नहीं है, आधा सच ही है। तो इंडस्ट्री बहुत अच्छी है अगर आप अच्छे रहते हैं तो, राइट। ओके आरती, अभी फ्यूचर में अभी आपके कौन कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं? मेरे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स राइट नाउ, आई एम वर्किंग ऑन माय पर्सनल, आई एम राइटिंग समथिंग व्हिच आई एम इंटेंडिंग टू मेक, देयर आर सर्टेन, राइट नाउ इट इज ऑन अ ग्राउंड वर्क going on, pre-production going on. Maybe I'll be writing and directing a project completely. Oh. So that work is going on. And I keep judging international pageants, fashion shows and beauty pageants. So I will be going to Dubai for that particular beauty pageant. It is in Dubai, the international beauty pageant in April. So that I am doing, and plus I am working on another book also. मैंने Facebook पर unknowingly, बिना किसी स्वार्थ के, बहुत सारे videos मेरे Facebook पर आप जाएंगे तो देखना, बहुत सारे videos upload किए हुए हैं और वो videos इतने ज़्यादा लोगों के अंदर spread हुए हैं और लोगों ने इतना appreciate किया, because I just did it out of concern and love for my fans. Oh, superb. ये तो बहुत अच्छा है कि अब आप उस तरह से सोसाइटी को आप कुछ अब देना भी शुरू करें, जिससे उनकी लाइफ में भी बदलाव आए, एक चेंज आए पॉजिटिव। जी, दैट इज माय इंक्लिनेशन एंड दैट इज व्हाट आई विश टू डू, कि एक्टिंग मैं करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे मनोज जोशी जी के साथ में मैंने फिल्म की थी, गुजराती फिल्म हेरा फेरी, उसके लिए मुझे बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड मिला था जीफा में, अभी 2018 में। उसके बाद में तो ये 2019, अभी 20 पेंडेमिक चला गया, अभी कुछ प्रोजेक्ट चल रहा है, बट आई फोकस नॉट नेसेसरीली कि खाली एक्टिंग 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 ही करते रहो। मैं चाहती हूँ कि मेरी जो फैमिली की जो लेगेसी है, जो मेरे अंदर जो क्वालिटीज हैं, और जो लोगों को मेरी बातों से जितना असर पड़ा है इस पैंडेमिक में, और जितना उन लोगों ने सुना है,
उसको भी मैं कंटिन्यू करूं और उसी तरफ मैं जाऊं स्पिरिचुअली. मैं चाहती हूँ दैट सोसाइटी शुड बी एलिवेटेड एंड प्रोटेक्टेड एंड लव्ड मोर, एंड हाउ मच लव आई कैन गिव इट टू देम, आई वांट टू गिव दैट टू देम. थैंक यू आदि जी, थैंक यू वेरी मच. आपने बहुत अच्छे से एक एक चीज को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया. मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो सब्सक्राइबर हैं वो भी मोटिवेट हुए होंगे, बहुत कुछ उनको जानकारी मिली. थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच. तो आरती जी अभी हमारे साथ ही है, मैं कंक्लूड कर देता हूँ हर बार की तरह जैसे आप लोगों के लिए करता हूँ, ताकि आप कुछ ना कुछ इस वीडियो से लेके जाएं, यही मेरा मकसद है. पहली बात तो ये है कि आप जितना ज्यादा जानते हैं वो आपको हेल्प करता है. अगर आप एक्टर हैं, आप राइटिंग और डायरेक्शन को समझेंगे तो आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा. आप किसी भी डायरेक्टर को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. आप ये समझ पाएंगे कि एक राइटर ने जब एक कैरेक्टर कंसीव किया है, क्रिएट किया है, तो कितनी गहराई से किया है. आपको एज एन एक्टर उससे बेनिफिट मिलेगा. टेक्निकलिटीज आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वही आपको कॉन्फिडेंस देगी जब आप शूट पर जाएंगे या फिर आप ऑडिशन पर जाएंगे. स्पिरिचुअलिटी की बात उन्होंने बहुत अच्छी करी कि आप अगर सही एज में शुरू करेंगे तो आपको फायदा होगा, क्योंकि अभी जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था. और यहाँ पर जब आएंगे तो आपको बहुत सारी साइकोलॉजिकल स्ट्रगल से गुजरना होगा. तो उसको जानने के लिए बाहर को देखना बंद करके खुद के अंदर झांकेंगे तो अंदरूनी जो ताकत आएगी वो बाहर की सारी चीजों को चेंज कर सकती है, भले वो स्थिति हो या परिस्थिति हो. बहुत अच्छा लगा आरती आपसे बात करके. थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू, थैंक यू.